इतने से छोटे छोटे घर और ये व्यू देखो, सुबह उठ के ये व्यू मिल जाए देख रहे हो, ओहो बहुत अच्छा। जहाँ भी देखो इतने प्यारे प्यारे जगह, मन नहीं भरता देखने से, मन नहीं भरता। यहाँ पे आवाज़ आ रही है मेरी, हवा बहुत तेज है यहाँ पे इसलिए तेज बोलना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता आवाज़ आ रही, जब रीड करूँगा तो पता लगेगा कि आवाज़ आ रही थी। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ शाम के नहीं दोपहर के 2 बजे। देखो इतना प्यारा जगह पे आया था, सोचा यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। नए जगह पे जाने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है, मतलब हम रोड पे खड़े हैं नहीं लगता है कोई अगर आ रहा है तो लगता है कहीं ये मत हो कि वो रुक के पूछे क्या कर रहे हो यहाँ, क्या कर रहे हो। तो इससे भी डर लगता है, अगर नए जगह हो तो डर लगता है थोड़ा, मतलब कोई भी आता है तो लगता है कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फिर हम क्या बताएंगे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ना जानते हैं किसी को ना कुछ। और यहाँ का थोड़ा हिंदी भी अलग टाइप का है, पहाड़ी भाषा है इधर, थोड़ा हिंदी समझते हैं लेकिन उतना क्लियर नहीं है सबका, समझ जाए हर एक बात, तो थोड़ा ये रहता है उससे आने के बाद। इधर ये है ना हमारे तरफ होता तो हमें पता है कहाँ क्या है, यहाँ ढूंढना पड़ता है हर एक चीज़। पानी के पास देखो कितना साफ है पानी, कितने छोटे छोटे घर कितने अच्छे लगते हैं ना यहाँ पे घर हो एक वहाँ पे साइड में, सुबह उठो ओ माय गॉड कितना अच्छा जगह। तो लेकिन यहाँ के लोगों को ये होता है, फिर यहाँ के लोगों को ये होता है कि आदत हो जाती है ना, एक हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ अगर कहीं दूर से आए तो बोलते हैं कितना अच्छा है, क्या हरे भरे पेड़ पौधे लग रहे हैं। हम लोग भी गाँव में ऐसा है ना, तो यहाँ पे भी अरे ये तो रोज का है सुबह उठो यही, उनके लिए एकदम नॉर्मल है कुछ नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए ओहो हम भी रहेंगे तो ये लगेगा। अभी नए नए मिलते हैं ना कुछ रह लेंगे फिर हमारे लिए भी नॉर्मल हो जाएगा, ये होता है सबके साथ होता ही है। देखो अभी यहाँ मेरा मन कर रहा है एक दो फोटो ले लिया जाए, लेकिन फ़ोटो लेने के लिए कोई नहीं है, और टाइम सेट करके ले ले उसका भी कहीं रखने वाला कुछ दिख नहीं रहा कहाँ। यहाँ ट्राई करते हैं रख के, थोड़ा टाइट दिख रहा है नहीं फिर भी अच्छा नहीं आएगा, ऊपर का जो है ना लोकेशन जो पहाड़ दिख रहा है वही नहीं आएगा। भैया आते हैं तो उनसे बोलते हैं, वो तो ऐसे गुस्सा करते हैं लेकिन बोलते हैं उनसे एक दो फोटो ले ले कहीं एक भी तो अच्छा आ जाए, आए तो देखते हैं। ये तो वो रहे अंकल आगे दिख रहे हैं वो, और पीछे भैया आ रहे हैं बात करते हुए, बुलाते हैं इधर ही। मिस्त्री मिला या नहीं ये भी एक टेंशन ही है, टेंशन आ रहे बात करते हुए उधर से, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे बुला लिया, मैं उन्हें बुला रहा था वो मुझे बुला लिया ऊपर। मिले चला लो, इसमें मछली मिलते हैं। देख लो आज मिस्त्री मिल ही जाना चाहिए, और इधर मिस्त्री की इतना किल्लत है क्योंकि इधर अभी फसल का सीजन चल रहा है ना, कटाई हो रही है तो मिस्त्री तो मिल ही नहीं रहे बिल्कुल भी। देखते हैं ढूंढते हैं वहाँ तक चले गए, चलता हूँ मैं भी। है कोई घर में? यहाँ पे भी नहीं है, आज का दिन ही ख़राब है। ढूंढते हर जगह से दिखते हैं, पहाड़ वहाँ दिख रहे हैं पीछे, यहाँ ना अच्छा, मतलब इधर घर नहीं, रात में डर भी लगता होगा ना, इधर पेड़ पौधे सिर्फ हैं, घर जैसे यहाँ छोटे दिख रहा है इसके बगल में घर है, ऊपर देखो ऊपर से दिख रहा छोटा। ये देखो रोड देख के लगेगा कहाँ जा रहे हैं, ये खेत में इतना लगता है कि खेत में जा रहे हैं, ये रहा रोड अंकल का। और ये पीछे देखो कितना अच्छा घर बनवा रखा है छोटा सा अंकल ने, कलर भी कितना प्यारा है, छोटा घर अच्छा लगता है बहुत, ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगता। और ये देखो कितना अच्छा अंदर आते आते कितनी साफ़ सफाई से उन्होंने ये फूल साले लगा रखे हैं, कैसे कैसे। ये वही भैया बोल रहे थे कि देख लो कितनी साफ़ सफाई से है सब कुछ, वही बता रहे थे भैया वहाँ पे खड़े हो के। पहले खटीमा रहते थे? खटीमा रहा था मैं 3 साल। वहाँ पे घर है? लड़कियाँ घर है, अभी कौन रहता है अभी यार? कोई जूते वाला है और एक कोई लेडीज है,
दूसरा आदमी ऑस्ट्रेलिया रहता है, उसका काम करता है, उसका आदमी लेडी रहती है, लड़की है और आगे जूते वाला है। तो जिस तुम लोग रहते थे रास्ता वहाँ से खोल दिया उस साइड से, सामान वामान रखा, हम जाता भी नहीं वहाँ, होते तो मैं जाके घूम भी आता, क्या वहाँ जाने का मतलब ही नहीं। अंकल से बातचीत करने के बाद वहाँ से निकल लिए और गर्मी बहुत था तब तक। एक भैया नारियल वाले दिख गए रास्ते में, वहाँ से नारियल पानी पी लिए। नारियल पानी बहुत जरूरी है गर्मी में यार, सर्दी कभी भी नारियल पानी पीना होता है, अंदर का मजा आता है खाने में। कुल्फी खोआ वही कटवा के निकलवा रहे हैं। से गए तो भी नहीं रुके, तो सोचे अभी पूजा भी हो रहा था, रुक के माथा टेक के ही चलते हैं यहाँ से। जय भोलेनाथ। यहाँ कोई पूजा करवा रहे हैं, उसका टेंट लगा हुआ है रोड से बस साइड में ही है। अच्छा है जगह, भंडारा सभी बैठ खा रहे हैं, हम भी खा लेते टाइम होता तो, लेकिन अभी निकलते हैं, थोड़ा काम है, 5:30 बजे 5:30 होने वाले हैं, निकलते हैं अभी खटीमा के लिए। वहाँ भी काम है, कुछ लेट हो गया ऐसे भी, पहुँच गए खटीमा, चिकन ले ले भैया, चिकन ले रहे हैं, फिर निकलते हैं रूम पे। देखो क्या मिले मुझे देखने को, ये देखो वो सॉन्ग सुना है, सोने की साइकिल, लेकिन इसे प्लास्टिक की सीट है। फाइनली आ गए रूम पे, ये देखो हेलमेट लगाने से बाल की हालत, बाल दाढ़ी ऐसे ही बड़े हुए हैं, बनवाऊँगा कल, कल या परसों बनवाना है, ऐसे ही ठीक होगा ही नहीं। चलिए इस ब्लॉग करते हैं ये पेंट, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ये ब्लॉग छोटा है लेकिन ठीक है, जितना हो पाएगा मैं करूँगा, ज़्यादा क्यों टेंशन लेना पड़ेगा, जैसे हो रहा है वैसे, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो।